धृति महाराज हमारे घर आ चुकी है फाइनली, सब अपना घर दिखा रहे हैं। और मम्मी कह रही है कि धृति को बुला ले, मुझे मिलना अभी तक मैं ढंग से मिली नहीं। मम्मी कैसा लग रहा है आपको इससे मिलके? जाने नहीं दे रही इसको। हमारे कर्नल साहब हाथ में चाय लेके, दाढ़ी देखो भाई, अपनी से मिल जो आई हुई है यहाँ पे। आज पापा निकल रहे हैं जयपुर, एंड इन्होंने क्या तैयारियां करी है जयपुर जाने की। बैग लेके जा रहे हो? शाहरुख खान कैसे लग रहे गाइस, डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में। सूटकेस में कपड़े पैक कर दिए। हाँ, निकलो घर से बाहर, निकलो। सब के परमानेंटली हम ऐसे बाल करवा दे तो थोड़ा डैडी यार लुक अच्छी आ रही है शाहरुख खान। बट देन अगर आप नए 2 लाख चैनल सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। आपको क्या लग रहा था मजाक कर रहे भाई, सच्ची में सूटकेस ले ये लो, सूटकेस के व्हील्स हैं ऐसे ऐसे मगर बाय एंजॉय यार से। ऐसा लग रहा है ये कोई 10 साल पुराना बाल था, आपके 20 साल पहले उड़ गए थे ना गाइस, ऐसा लग रहा है 10 साल पहले नहीं उड़ गए थे। सुबह सुबह इनको ऑफिस ऐसे भेज रहे, पापा रुक जाओ यार, 50,000 लाइक्स इनके, हम सच्ची में परमानेंट ऐसे बाल लगवा देंगे, नहीं तो ऐसी विग बनवा दो पापा, अच्छे लग रहे। पापा ने ना अब मैं सच्चे में वीडियो देखनी, पापा बोलेंगे यार बालों के करा ले वीविंग, गाइस चढ़ा दिया। पापा बाल जेन्युइनली अच्छे लग रहे थे, जेन्युइनली सबको अच्छे लगते हैं। हाँ, आप क्या है नहीं, हम क्या करें। हमारे नीचे आज देशभक्ति हो रही है क्योंकि इलेक्शंस आ चुके हैं, नीचे हमारे इवेंट हो रहा है बिकॉज हमारे यहाँ पे ना वाटर पाइपलाइन बड़ी डिलेड से आई है और फाइनली आ चुकी है। पैसे हमने ही दिए हैं, मतलब सारे रेजिडेंट्स ने मिला के दिए है, चीफ गेस्ट किसी और को बुलाया हुआ है क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। इंडिया में खाली पैसा नहीं चलता, दबदबा चलता है भाई। मैं अपना काम करा, मम्मी करी काफी लागे, क्या हो गया? बच्चों के लिए बुरा लगता है जिनको खड़ा करा दिए फूलों के। टिफिन मैं पैक करूं, तुम्हारा पानी बॉटल में मैं डालूं, ले उठ जाओ और फिर भागो भागो मम्मा, भागो 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 भागो। शूट मेरा है लेट, आपको क्यों हो रही है? आपको क्या काम है? आपको पार्टी में बर्थडे है? किसका बर्थडे है क्यों बताऊं? ये 55 साल की बुढ़ियों को भी बर्थडे पार्टियां करनी। बुढ़ी किसको बोला? अपने काम से निकलते हैं हम टाइम से, एंड कुछ लोग खुद लेट होते हैं और फिर बोलते हैं हमें छोड़ दो नहीं तो हम और लेट हो जाएंगे। बताओ मैं क्या करूं? कभी कभी चलता है, कभी कभी चलता है। पता है मुझे कहाँ पहुँचना है इतनी जल्दी? दाढ़ी कटवानी है। क्यों कटवानी है पता है? आज लोग नहीं आ रहे हैं, मुझे गोवा जाना है। आई एम गोइंग टू गोवा। मैडम आए ना आए हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपना भाई दाढ़ी कटवा के गोवा घूमने, हम गोवा घूमने जा रहे हैं। सख्त लौट के लेट मी नो अगर हमें दाढ़ी कटवानी है नहीं कटवानी है, बिकॉज मेरे ने बाल कटवा लिया, मुझे दाढ़ी कटवाने का मन नहीं कर रहा। सोचे से हैवी बियर्ड रख ले, बिकॉज 2 साल पहले इतनी सेक्सी फील आती थी, कॉन्फिडेंस अलग आता, बिकॉज चाहे मुंह जितना मर्जी मोटा हो जाए गेंडे जैसा लुक, ऐसा लगता था कि बस सेक्सी बॉय हम ही। गोवा कौन कौन जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये भी तो सरप्राइज है, बट नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है, कोशिश करेंगे रोज ब्लॉग अपलोड करें। पर गोवा की तैयारी पूरी नेक्स्ट लेवल से हो रही है भाई, ये तो नाक चमका दी अलग से ही, पूरे शरीर पे भी करा दीजिए। हमारे कुछ स्पेशल लोग आ रहे हैं तो हम जा रहे हैं एयरपोर्ट, यानी गुची का बैग जाना पहचान लग रहा होगा। जिन लोगों ने मेरा बर्थडे व्लॉग नहीं देखा देख लो, इसके पीछे की कहानी बताता हूं, लोग कितने शाने हो। ये व्यू भाई कभी भी पुराना नहीं हो सकता, जो लोग बोर हो गए ना ये पार्ट स्किप कर ले करो, बट भाई ये फील देख रहे हो, ये देखो यार, ओए होए होए। जो मर्जी को अगले 10 साल तक इस व्यू की आदत डाल लो, बिकॉज 10 साल तक तो मैं यहाँ से हिलने नहीं वाला इस जगह से। बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट हो गया, मैं 2 मिनट पहले घर से निकला हूँ, दिल्ली एंटर कर चुके हैं, यहाँ से हमारे लेफ्ट में एयरपोर्ट, अभी तो ये वाले जादुई टनल खुलने की वेट है जो सीधा एयरपोर्ट जाता है, टाइम और ज्यादा बच जाएगा इधर से, मतलब ऐसा लगेगा कि बस भाई पहुंच गया। कोई भी फ्रेंड अगर एयरपोर्ट आएगा तो हम डायलॉग भी मार सकते हैं, भाई बस पहुंच गया, पहुंच गया भाई, पास में ही है बस 10। मैं भी ऐसे ट्रैफिक से निकला, धृति ना पहुंच गई, इतनी गुस्सा हो गई, मैं अमृतसर से यहाँ पहुंच गई, 1.5 घंटा फ्लाइट डिले थी, आप अपने घर से 10 मिनट दूर नहीं पहुंच पाए। भाई देखा लड़कियों का काम है रोना, ठीक है, और लड़कों का काम है रोलाना। मजाक करो, सालो खुश रखा करो अपनी गर्लफ्रेंड को, मैं भी बहुत खुश रखता हूँ। रास्ते चाहे जो मर्जी बन जाए लेट तो हम फिर भी होंगे। मैंने जो कॉलेज वाला ब्लॉग डाला था ना उसके बाद मुझे मेरे कॉलेज से ही फोन आ गया कि भैया हमने आपका ब्लॉग देखा, हम इस सोसाइटी से है, प्लीज आ जाओ। तो मैंने कहा भाई देखो मार्कशीट लेने मैंने आना ही है कॉलेज, तो एक दिन हम अपने कॉलेज भी चलते हैं, डू लेट मी नो अगर आप लोग देखना चाहोगे। देखो धृति का प्राइवेट जेट लैंड कर रहा है, मेरा मेरी गाड़ी नहीं पहचान पाई, 2 मिनट से घूरी जा रहा, जब कैमरा निकालूंगा तब इसको पता चलेगा। ये देखो अभी भी लगी हुई है, अभी भी नहीं पता चल रहा है इसको मैं हूं, अबे मैं हूं, अच्छा वेट कर रही थी मैं सामान लेने आऊं, मुझे लगा आप गाड़ी नहीं पहचान पाए, आप तो एटीट्यूड में खड़े थे, सामान उठाओ चलो, इसलिए इतना खुश हो रही थी। ढोल ढोल नहीं लाए क्या? लाए ढोल लाने सर। हाँ जी, कोई यार पूरा जाम लग रहा है, एम्बुलेंस ना ले आओ, तेरे 2 मुक्के मार के सीधा हॉस्पिटल।
बस टाइट रखे, कुछ भी कर लोगे। इतनी जोर से दरवाजा पटकती है ना इसको, मैंने जाने से पहले सिखा के गया था यार, आपने मुझे सिखा के भेजा था ठीक है। उसके बाद मैं अपनी एमजी में घूम रही थी, चार दिन दरवाजे खुले रहे, मैं जब बंद करती हूँ वो बंद ही नहीं होता, मैं प्यार से बंद कर दी। एमजी जोर से मारो भाई, बीएमडब्ल्यू को प्यार से ठीक है, एमजी को तुम जो मर्जी करो। इतनी जोर से पटका है ना, अगली बार सुनाऊंगा। इतने 9 लाख लोग देख रहे हैं ना, सबको जोर से पटकूंगी आपको, मुझे मिलकर खुशी नहीं हो रही। 20 डेज के बाद मिल रही हूँ, थैंक यू इतना दिन देने के लिए अकेला। मुझे वैल्यू करना शुरू कर दो। आपकी न्यू गाड़ी में मैंने कुलचे रखे हैं, वो भी बो वाले, इतनी बो आएगी ना भाई। अमृतसर से कुलचे लेके आई, ये भी मेरे लिए नहीं आई क्योंकि सबको पता मैं कुलचे नहीं खाता। धृति मैंने सुना आपको नींद आ रही थी, कॉफी की क्या जरूरत है? नया टेक्निक चलाया है, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता, अब मैं बिल्कुल F1 रेसर हूं। आपको पता नहीं मेरी बलेनो कैसे चलाती है भाई। 100 पहुंच भी गई, कुछ थोड़ी रिस्पेक्ट दिखा दो मेरी गाड़ी को। बॉम्बे ऑटो आपसे तेज चलते हैं, ले लो गाइस 1.25 करोड़। बहुत मिस कर रहे थे ना इसको, ले लो वापस भेज दो अगली फ्लाइट से। कुछ तभी बोलोगे हाँ भैया इसी को भी गोवा लेके जाओ साथ में। गाइस मेरे से स्टोन पेपर सीजर्स में हार गई, रोने वाली हालत हो गई। 10 बार ट्राई करा, 10 में से 9 बार ही मैं जीता हूँ। चला एक और बार कर ले, जो जीत गया जीत गया। स्टोन पेपर सीजर्स शूट, स्टोन पेपर सीजर्स शूट, स्टोन पेपर सीजर्स शूट। जानबूझ के हारा हूँ, पता ही खुश हो जाए। तो अब 2 बार हंस तो दी ऑडी बन। मेरा सारा खाना खा लिया, मुझे रुला। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे लोग ऑनलाइन बनते हैं ना बहुत बड़े शेर, हम ये गिफ्ट देते हैं वो गिफ्ट। क्या लगा एवरीडे आपका लोग देखते हैं? अरे थैंक यू, एवरीडे मैं डालता नहीं वैसे, बट ठीक है। मैं बर्थडे पे बड़े टोरे से गिफ्ट देते हैं गुची का, ठीक है। और हफ्ते बाद खुद ही बोलते हैं आपको नहीं पसंद आया ना, मैं एक्सचेंज करा के अपने लिए गिफ्ट ले लूं, और बाकी जो ऊपर पैसे होंगे ना वो आप डाल देना। अच्छा ये नहीं हो रहा अभी, ये वापसी करवाएगी। मैं पूरा बिल देने तक का प्रोसेस दिखाऊं कि एंड में बिल देता कौन है। ये लड़कियों का जो स्कैम होता है ना, आज मैं एक्सपोज करता हूं। नहीं है, मैं घूमता अपनी वही पुरानी टी शर्ट पे, जो टी शर्ट डाली हुई ये भी मैं लेके आई हूं। सब कुछ मेरी बीएमडब्ल्यू भी इसने लेके दी है, फॉर्च्यूनर भी इसने लेके दी है, स्कॉर्पियो भी। तीनों फैंस मिल गए उसके, शॉपिंग करके आया है, हमारे रोहतक से ही है भाई। देखो अपने लिए ट्राई कर लिया, मैंने कहा था ना इसको रंगे हाथ पकड़ूंगा, ये देखो आज बिल भी इससे भरवाऊंगा। क्या कहा था देखो, अलग अलग चीजें ट्राई करना है, धोखा हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा गेस करो गाइस क्या हुआ। मैंने करण को बोला गिफ्ट चूज कर ले, करण ने बोला मुझे आपके पैसों का कुछ नहीं चाहिए, मैं खुद लूंगा, अपने लिए ले लो गिफ्ट। तो मैंने अपने लिए ले लिया। एंड रिजल्ट क्या निकला, चाहे इसने कुछ भी कोशिश करी हो, मैंने इसको पूरा बोला कि मैं एडिट नहीं करूंगा, तुम जो बोल रहा है समझ गए ना। मैंने क्या कहा था, ये सब दोगले होते हैं भाई, लड़कियों के चक्कर में मत फंसा करो, धोखे ही मिलेंगे तुम्हें, प्यार दिखाती है। कुछ और चाहिए था जबरदस्ती, मैंने आपको बोला भी था अपने लिए ले लो, अपने कंटेंट के चक्कर में किसी को भी बुद्धू ना। अच्छा मेरे कंटेंट के चक्कर में आपने लिया, इसमें है क्या दिखाओ। अच्छा, मैं अभी वापस कर देता हूँ, जाओ। मैंने तो आपको तब भी बोला था, खाओ मेरी कसम, मैंने आपको नहीं बोला लो अपना। मैं इसको वापस करके अपना क्रेडिट नोट बनवा दूंगा, तुमने बोला 1 साल तक क्रेडिट नोट वैलिड होगा, जो आप कभी भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये देखो शक्ल देख लो, शक्ल। अच्छा खा के मेरी कसम बोलो कि मैं आपको नहीं बोला। इसने बिल्कुल नहीं बोला मुझे। क्या नहीं बोला कि ऐसा करें, आप ले लो 50,000 का गिफ्ट ले लो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। धृति को ना बुरा लग रहा था, 40,000 का गिफ्ट एक्सचेंज में लेके मेरा वापस मुझे 5,000 की चप्पल ले दी। उसके पैसे पता है किसने दिए, मजाक कर रहा है, सब कुछ दिल से करती है, मुझे नहीं चाहिए होते गिफ्ट, यही बोलना था। हाय धृति आई थी, मैंने सोचा था इसको नया एक्सप्रेस वे दिखाऊंगा कि मेरे घर ऐसे पहुंचेंगे, बहुत बुरा हाल है, मतलब नया एक्सप्रेस वे की बैड बज गई है। आपके दिल जैसे लग रहा है, रश है उसमें ना। आए भाई हमारे दिल में हर किसी को जगह दे देते हैं अपने दिल। देखो कितनी आपको ट्रक्स दिख रही हैं। ट्रक्स हाँ दिख रहे हैं। उतनी लड़कियां हैं आपके दिल में, वो भी रैंडम। अभी ना हम सोच रहे घर चलेंगे, बिकॉज पापा तो गए हुए जयपुर, और मम्मी कह रही है कि धृति को बुला ले, मुझे मिलना अभी तक मैं ढंग से मिली नहीं, ऐसे बैठ के ना बातें नहीं हुई। क्या बातें करोगे? भड़ास निकालूंगी बहुत है यार, मेरे बारे में तारीफें ही मम्मी सुनती रहती है, उनको भड़ास नहीं पता, मैं ऐसा हुई नहीं बंद। हमारे घर आ चुके हैं, सबसे पहली चीज क्या हो रही है, माँ अपने बच्चे की फोटोज दिखा रही है। मम्मी क्या फोटोज दिखा रहे हो? मैं मेरी पुरानी फोटोज दिखा रही है। एंड देखो कर्नल साहब की कौन सी फोटो निकली, RX 100 यामाहा पे शूट कर रहे हैं, इस पे ट्रांजिशन रील बना के हाँ, BMW में बैठा दे। हाँ गाइस ऐसे कुछ करेंगे। आप अपनी ये बंपिंग भाई, मेरी पहली गाड़ी थी। मम्मी कैसा लग रहा है आपको इससे मिलके? बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, अब मैं जाने नहीं दे रही। नहीं नहीं जाना तो पड़ेगा, पंडित बुला रहे। देखो मेरे सेकंड बर्थडे की मुझे फोटो मिली है, बैंगलोर के स्कूल की है, फ्रैंक एंथनी पब्लिक स्कूल। बताओ गाइस कमेंट सेक्शन में मैं कहाँ पे दिख रहा हूँ आप लोगों को। भाई हमें एक और खतरनाक फोटो मिली है पापा की, क्या क्रेजी लग रहे हैं। अभी वो होते ना उनसे पूछते कि कहाँ के, बिकॉज लोकेशन तो काफी क्रेजी है, काफी हाई ऑल्टीट्यूड लग रहा है। सारे बंदों को ना देख के ऐसा लग रहा है जैसे सारे ना किलिंग मशीन है। पापा को तुम्हें दिखाऊं कहाँ पे, हमारे कर्नल साहब हाथ में चाय लेके, दाढ़ी देखो भाई,
ये 31 RR है। 31 RR जिन लोगों को नहीं पता इंडियन आर्मी में स्पेशल फोर्सेस की यूनिट है, तो उसमें डैडी थे। सही बात है, सबने ना अपनी लुक ऐसी बना रखी है कि बस सामने दुश्मन कोई भी आएगा ना खत्म एक सेकंड। एक पापा है 31 RR के भाई ऐसी दाढ़ी के साथ, एक हम है जिसको देख के दुश्मन की हंसी निकल जाएगी। ये देखो निकल गई ऐसी। गाइस अभी ना मैं समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या स्कैम चल रहे हैं, मतलब व्हाट इज दिस। गंदर जर्मनी से लेके आया धृति की बहन के लिए, कितने का भाई? 1.25 लाख रुपए का। ये भाई इसका साइज बताओ आप लोगों को। इसके अंदर चाबी आ सकती है, देखिए ये मेरी गाड़ी की चाबी है, बस यही आएगी। और ये देखो डाल तो सही। हाँ गाड़ी की चाबी फिट आ जाएगी, बाहर आ रही है। चाबी बाहर। ये ब्लॉग हम अगले दिन कंटिन्यू करें, बिकॉज कल पैकिंग वगैरह में इतना टाइम लग गया। मम्मी धरती पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, एंड अभी मम्मी ऑफिस निकल रही है, तो मम्मी को बाय कर रहे हैं क्योंकि हमारी होली मिस हो जाएगी इस बार। हम साथ होली नहीं मनाएंगे, आके हम बड़ी सेलिब्रेशन करेंगे। वैसे भी ये महीने ही रह गए कि अलग अलग होलियां मन रही है। अगले साल जो भी होगा ग्रैंड होगा भाई। एक्चुअल इन्फ्लुएंसर्स पता कौन होते हैं? जो अपने नए घर का उद्घाटन ना शूट के साथ करते हैं। तो ऐसे कुछ हुआ है, धृति महाराज हमारे घर आ चुकी है फाइनली, इसको अपना घर दिखा रहे हैं। आपको कौन सा कमरा चाहिए? गरीबी भाई, देखो एक कमरा गंधर्व के लिए, एक कमरा मेरे लिए, एक मम्मी पापा के लिए, एक दादी के लिए, एक प्रिया के लिए। आप डिसाइड कर लो आपको कौन सा कमरा चाहिए। ये बड़ा सही है यार, ये मेरा फेवरेट पार्ट होने वाला है, क्योंकि 5 बालकनीज है इस घर में। एक यहाँ है, एक इसके पीछे है, एक वहां पे जहां हम शूट कर रहे हैं। छोटा सा मिनी मूवी थिएटर बनवाएंगे, एक अपना वॉक इन क्लोजेट, मतलब बहुत सारी चीजें सोची हुई है। एंड मैंने ना कुछ कॉन्सेप्ट सोचा है जिसमें हम अपने घर को इतना इंस्टाग्राम वाला बना देंगे कि आप में से इन्फ्लुएंसर लोग भी इसको एज अ शूट लोकेशन यूज कर सकते हैं। गड्डी की किस्तें पूरी करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं बता रहा हूं क्रिकेट खेल सकते हैं। ये एक एरिया लाइफ में जब पता होता है ना आपको कि आपके पास कोई काम नहीं है और आपको टाइम से एक जगह पे पहुंचना है, आप पहुंच जाते हो। बट जब आपको पता होता है ना लाइफ में आपके पास बहुत काम है और इतने काम पेंडिंग है, फिर भी आप एक्स्ट्रा काम ढूंढ ही लेते हो ताकि वो वाले काम भी डिले हो जाए। अरे यार वेट कर दीजिए तो। भाई वेट करते करते ये और प्रिया ना सेम है, वेट करते करते इसको भूख लग गई और ये चली गई अपना कुछ खाना पैक करा। क्या पैक करा है? ढोकला। 30 रुपए में मुझे पूरी दुकान दे दी है मुझे। जब नहीं बिकती ऐसे ही होता है। अभी सबसे पहले हमें जाना है कनॉट प्लेस, यहाँ से कनॉट प्लेस से हम वहाँ पे शूट निपटा के मैं वापस एयरपोर्ट आना है। एयरपोर्ट पे एक शूट निपटाना है, वहाँ से हम फ्लाइट लेके जा रहे हैं गोवा। तुम भाई धोखा ढोकला दोनों दे सकते हो। ये नहीं है 30 रुपए का, ये भी है साथ में। 30 रुपए का है? हाँ, मैंने ऑर्डर किया था। 30 रुपए का है? झूठी। एक्चुअल में 32 रुपीज का हुआ है। मुझे बुरा उसके लिए लग रहा है जिसने इसे ना वो खो गया होगा इसको देख के। और ये लड़कियां ना ऐसी हो साथ में। किसी लड़की के मुंह पे पानी मारा ना 10-10 लेयर निकलेगी मेकअप की। अभी सुबह एक बार करा था, शूट करा, फिर से एक और बार करा, आधी चमड़ी तो यहीं से गायब हो जाएगी, इतना मेकअप। आपने मेरे ऊपर कलर लगाया था। हमें बुलाया है नहीं, फिर भी जबरदस्ती आ गई इवेंट पे। लॉन्च इवेंट और ऐसे इन्फ्लुएंसर इवेंट में हम भी तो देखे, जब आपको कोई काम नहीं करना होता ना कैसा लगता है, फ्री के लोग आ गए कैमरा लेने। भाई ये लिटरली एक बंदा है जो अपने हाथ से पूरा ये आर्टिस्ट्री कर रहा है, इतना नेक्स्ट लेवल क्रेजी लग रहा है, ज्यादा सुंदर लग रहा है यार। धृति महाराज अपना शूट निपटा रही है ना, उसकी वेट कर रहे हैं। हमारी फ्लाइट गोवा की 8:15 बजे की है एंड अभी 4 बज रहे हैं। यहाँ से अभी हमें एयरपोर्ट पहुँचना है, 4:30 बजे एयरपोर्ट का ही शूट करना है एंड देन उसके बाद फ्लाइट लेंगे। बट हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा 45 मिनट होगा शूट। ये वाली ट्रिप देखे ना पापा सबसे ज्यादा खुश होंगे भाई, 8:15 की ट्रिप के लिए ना 4:15 बजे में एयरपोर्ट पहुंच गया एंड अभी भी इसका काम खत्म नहीं हुआ। हम सुबह 11 बजे घर से निकले हुए हैं। तो टोटल वेट हमारे पास 42 kgs है, उसमें सिर्फ 15 मेरा है, बाकी सारा इसका। इतने दिनों बाद मैं एयर इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा स्मूथ है, एकदम जल्दी जल्दी आज चेक इन हो रहा है। और ये देखो हमें कुली बनाया हुआ है और खुद वहाँ मैडम एक छोटा सा बैग पकड़ के बस घूम रही, अपना इंस्टाग्राम स्टोरी डाल रही है। देखो शक्ल देख रहे हो, डरावनी ऐसा लग रहा है, इसकी शक्ल देख के हम गोवा जा रहे हैं। समझाता हूँ 4 घंटे पहले क्यों आए थे। ये देखो सिक्योरिटी में सारा सामान रुक गया इसका, करो सफाई। तो आपके सामान में क्या होगा ये वर्ड ना, कभी भी गलती से सबको बता दीजिए, ये वाला वर्ड जो इसने यूज करे कभी भी आप प्लेन के अगर आपने यूज कर लिया तो आपको जेल है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अगर आपने ऐसे मजाक भी कर दिया ऐसा कुछ भाई ब्लैक लिस्ट हो सकते हो, नो फ्लाई लिस्ट पे डल सकते हो। एयर इंडिया की शुरू में तारीफ नहीं करनी चाहिए, 8:15 डिपार्चर था एंड अभी 8:15 बोर्डिंग हो रही है हमारी। अभी एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है, इसकी यार मेरी सीट दूर दूर है, इसको लग रहा था चेंज हो जाएगी ताकि मेरे साथ बैठ सके, बट हम शांति से एकदम प्लेन के एंड में बैठेंगे ताकि भाई अगले 7 दिन ना हम इसको झेल सके। गाइस मैंने ना पैसे खर्च के अपनी 3 सीट कराई थी, 350 रुपए मैंने करण को बोलता करवा लो क्यों, तो फ्री में मिल जाएगी मुझे। भाई फ्लाइट फुल है, मतलब पूरी दिल्ली जा रही है आज गोवा। भाई दिल्ली क्या, पूरा इंडिया पहुंच रहा है, होली इन गोवा। अपने दिल्ली गैंग मिलेगी वहाँ। मैंने कहा था ना मैं खुश होऊंगा, मैं दूर वाली सीट पे बैठूंगा,
भाई इसने बात करके यहाँ वाले बंदे को उठा के पीछे भेज दिया और मुझे यही बिठा लिया, धर लिया यहाँ, फंस गया यहाँ पे, बचाओ ये पूरे टाइम। ये देखो सारा सामान मैंने यहाँ पकड़ा दिया और खुद सोई हुई है। ये देखो वेलकम टू गोवा सिंघम। मैं इस बार थोड़ा लेट आया, वैसे लेट नहीं आया, मैं 6 महीने पहले ही आया था, टांग तोड़वा के गया था। मुझे पता डर लग रहा है, मम्मी को बहुत गुस्सा चढ़ा हुआ था कि तो अभी टांग तेरी ठीक हुई है, लास्ट गोवा जाके टांग तोड़वाई थी, तू फिर से गोवा जा रहा है। मैं कहा भैया देखो खतरों के खिलाड़ी, जहाँ जो चीज हुई वहाँ बदला ले। भाई इसको ना इस बार पॉइंट मिले हुए, अकेला गया था तब हुआ था, इस बार ये साथ जा रही तो देखते अब क्या क्या होगा। भाई देखो सोने की हालतें हो रखी है इनकी, पड़ा हुआ, क्या हाल है? बढ़िया भाई। मिलो अपने फ्रेंड से, अपनी फ्रेंड से मिल जो आई हुई है यहाँ पे। गाइस मेरे पुराने भाई, गोवा में ऐसा बहुत फोन आने वाले ट्रिप के बाद कि भाई ये डिलीट कर वो डिलीट कर, बट हमारे कुछ पुराने दोस्त भी आए उनसे भी मिलने चलेंगे। नो, अगर किस्मत में हो मैं उससे जरूर टकराऊंगा। ये तो सच्ची में लंबा रुकने के हिसाब से आया है। ये देखो ये सब भी ले आए हो भाई, देखो गाइस ये देखो छाछ, ये छाछ किसकी डाइट है मुझे ये बता, गोवा के छाछ कौन पी रहा है? और हमारे साथ कुकर होना है, वो सुबह सबको ब्रेकफास्ट बनाना। मिली क्या हमारे लिए कल नाश्ता बनाएंगे? बहुत अच्छे, उन दोनों से पूछूंगी।